नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, मारुति विटारा ब्रेजर जिस सेगमेंट की गाड़ी है वो है 5 सीटर SUV सेगमेंट, जो कि आज की डेट में भारत का सबसे हॉट सेलिंग कार सेगमेंट है। और इसी सेगमेंट में विटारा ब्रेजर कई सालों तक सेगमेंट की किंग रही है। इस सेगमेंट में आपको काफ़ी गलाकाट और तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा और दिन ब दिन ये कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस वक्त ब्रेजा सेगमेंट की किंग हुआ करती थी तब ये केवल डीजल इंजन के साथ आती थी, लेकिन अब ये केवल पेट्रोल इंजन के साथ आती है। अब ये गाड़ी पेट्रोल में आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, लेकिन वो केवल 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जबकि सेगमेंट में आपको 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है और DCT का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। मुझे लगता है विटारा ब्रेजा इस सेगमेंट की सबसे घटिया गाड़ी है। जिस सेगमेंट में विटारा ब्रेजा आती है उस सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इसी कारणवश इस सेगमेंट में भारी कॉम्पिटिशन भी देखा जाता है। भारतीय ग्राहकों के लिए इस सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होने की वजह से वो ऑलरेडी कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदें। इसलिए कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश नहीं करता और कुछ और बेहतरीन ऑप्शंस भी उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग सेगमेंट के ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हैं उनके लिए मैं 2 और बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया हूँ जिनको पूरे यूट्यूब पर अब तक किसी ने नहीं बताया है। इस वीडियो के अंत में कंक्लूजन में मैं बहुत सारे लॉजिकल खुलासे करूँगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिस वजह से आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपको विटारा ब्रेजा लेनी है या फिर मेरे बताए हुए 2 ऑप्शन। इस वीडियो में हम विटारा ब्रेजा के टॉप मॉडल के साथ में ह्यूंडई क्रेटा और सेल्टॉस के बेस मॉडल को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि इनके प्राइसेस काफ़ी क्लोज क्लैश करते हैं। कुछ जगह ये ब्रेजा के प्राइसेस से कम हैं, कुछ जगह लगभग इसके बराबर हैं और कुछ जगह इसमें केवल 34,000 रुपये का डिफरेंस है। और जो इंसान 11,15,000 रुपये की ब्रेजा ले सकता है उसके लिए अगर एक बड़ी और बेहतर कार मिल रही हो तो 34,000 रुपये ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा खर्च करना कोई मायने नहीं रखता। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ब्रेजा, क्रेटा और सेल्टॉस में कौन से कॉमन फीचर्स आते हैं, ब्रेजा के टॉप मॉडल और बाकी दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल में कैसे और कितना प्राइस क्लैश होता है, वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ब्रेजा में मिलते हैं लेकिन क्रेटा और सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में नहीं मिलते, तथा वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो क्रेटा के बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं लेकिन टॉप वेरिएंट होने के बावजूद भी आपको ब्रेजा में नहीं मिलते, क्या ब्रेजा आपको क्रेटा और सेल्टॉस से बेहतर स्पेशियस कार ऑफर करती है, क्या ब्रेजा क्रेटा और सेल्टॉस से बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफर करती है, क्या मारुति ब्रेजा आपको ह्यूंडई क्रेटा से और किया सेल्टॉस से बेहतर आफ्टर सेल सर्विस और पीस ऑफ माइंड ऑफर करती है, क्या मारुति विटारा ब्रेजा क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले एक बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ आती है। ये सारी जानकारी जानने के बाद आप हंसते हंसते विटारा ब्रेजा को ह्यूंडई क्रेटा और सेल्टॉस के लिए कुर्बान कर देंगे। तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं तीनों गाड़ियों की प्राइसिंग से और जानते हैं कि ये कैसे, कितना और कहां क्लैश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी प्राइसेस कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस लाइक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं विटारा ब्रेजा के प्राइसिंग की। तो इसका मैनुअल टॉप एंड मॉडल यानी कि ZXi प्लस विद ड्यूल टोन रूफ एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 9,98,000 रुपीज़ तक, और ऑटोमेटिक टॉप एंड मॉडल ZXi प्लस ऑटोमेटिक एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 11,15,000 रुपये तक। अब बात करते हैं ह्यूंडई क्रेटा के ब्रेस मॉडल की प्राइसिंग की। जहां ब्रेजा में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है, वहीं क्रेटा के बेस मॉडल से ही आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्रेटा पेट्रोल बेस मॉडल ई और डीजल बेस मॉडल ईएक्स मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 9,99,000 रुपये तक मिल जाते हैं, यानी कि लगभग ब्रेजा के मैनुअल टॉप एंड प्राइस के बराबर। तो हुआ ना पहला प्राइस क्लैश। अब बात करते हैं किया सेल्टॉस के बेस मॉडल की प्राइसिंग की। तो यहाँ भी सेल्टॉस आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी, लेकिन ब्रेजा केवल पेट्रोल में आती है। सेल्टॉस का बेस मॉडल HTE मैनुअल में पेट्रोल और डीजल एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलता है 9,89,000 रुपये तक का, जो कि ब्रेजा के मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट से 9,000 रुपये सस्ता आता है। तो हुआ ना दूसरा प्राइस क्लैश। अगर आप ब्रेजा के मैनुअल टॉप एंड की जो कीमत है यानी कि 9,98,000 रुपये में केवल 31,000 रुपये और जोड़ दें तो 10,29,000 में आपको सेल्टॉस का HTE के वेरिएंट मिल जाएगा, और इसमें भी आपको डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन्स मिलते हैं, बेहतर फीचर्स मिलेंगे। तो हुआ ना तीसरा प्राइस क्लैश। अब यदि आप ब्रेजा के ऑटोमेटिक टॉप मॉडल की प्राइस यानी कि 11,15,000 रुपये में मात्र 34,000 रुपये और ऐड कर देते हैं तो 11,39,000 में आपको सेल्टॉस का HTE के प्लस वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें आपको पेट्रोल और डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ डीजल में 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये हुआ ना चौथा प्राइस क्लैश। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्रेटा और सेल्टॉस के रूप में ब्रेजा से बड़ी और बेहतर कार मिल सकती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं तीनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रेटा और सेल्टॉस दोनों ही गाड़ियां लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में ब्रेजा से बड़ी है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्रेटा और सेल्टॉस में आपको ब्रेजा से ज़्यादा बड़ी गाड़ी मिलती है, ज़्यादा केबिन स्पेस मिलता है, ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। तो हुआ ना फायदे का सौदा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब एक नज़र डालते हैं तीनों गाड़ियों की कर्ब वेट पर, जिससे आपको इनके बिल्ड क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो ब्रेजा का कर्ब वेट है 1110 किलोग्राम से लेकर 1130 किलोग्राम तक, वहीं क्रेटा का कर्ब वेट आपको मिलता है 1367 किलोग्राम्स तक। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि किया ने सेल्टॉस के कर्ब वेट के ऑफिशियल फिगर्स को आज तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अंदाजन सेल्टॉस का वजन लगभग 1345 किलोग्राम से लेकर 1510 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका सीधा सा ये मतलब बनता है कि क्रेटा और सेल्टॉस की बिल्ड क्वालिटी ब्रेजा से कहीं बेहतर है, लेकिन हमें यह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ब्रेजा को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई है। इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी का तो भगवान ही मालिक है, और उनके हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म के बारे में तो क्या कहना। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जिस कंपनी का COE अपनी गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के लिए भेजने से मना कर देता है, उस कंपनी के बारे में मैं क्या बोलूं? लेकिन आप किस सोच में डूब गए? आपके लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है ना, वहाँ लिखिएगा। अब बात करते हैं तीनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो ब्रेजा में आपको मिलता है 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि ये लगभग 200 mm के आसपास है। वहीं क्रेटा और सेल्टॉस दोनों में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। जहां तक टर्निंग रेडियस का सवाल है, तो ब्रेजा और क्रेटा में आपको मिलता है 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस, और सेल्टॉस में आपको मिलता है 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस। तो यहां पर भी मामला बराबरी का है। व्हील बेस और बाकी चीज़ों में बड़ी गाड़ियां होने के बावजूद भी क्रेटा और सेल्टॉस ब्रेजा जितना ही टर्निंग रेडियस आपको ऑफर करती हैं। अब बात करते हैं तीनों गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो ब्रेजा में आपको केवल 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से क्रेटा और सेल्टॉस में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन बड़ा है
तो बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। तो सेल्टोस और क्रेटा में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं ब्रेजा में आपको केवल 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और हमेशा की तरह फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो लगे हाँ तो हम माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो विटारा ब्रेजा में आपको मिलता है 17.3 kmpl से लेकर 18.76 kmpl तक का माइलेज, वहीं क्रेटा आपको बड़ी और ज़्यादा वजन होने के बावजूद भी 17 kmpl से लेकर 21 kmpl तक का माइलेज ऑफर करती है। और यहां पर सेल्टोस भी पीछे नहीं है, सेल्टोस में भी आपको 17 kmpl से लेकर 18 kmpl तक का माइलेज मिल जाता है। सिंस ब्रेजा कम्स विद ओनली पेट्रोल इंजन, इसलिए यहां मैंने जो भी अप्रोक्सीमेट फिगर्स बताए हैं वो सारे के सारे पेट्रोल माइलेज के ही हैं। आपको झटका तो नहीं लगा ना, बड़ी और वजन में ज्यादा होने के बावजूद भी दोनों गाड़ियां लगभग ब्रेजा जितना ही माइलेज निकाल रही हैं। अब बात करते हैं व्हील्स के बारे में। तो तीनों गाड़ियों में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, जहां ब्रेजा टॉप मॉडल की वजह से आपको अलॉय व्हील्स ऑफर करता है, वहीं क्रेटा और सेल्टोस में आपको स्टील के रिम्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सेल्टोस का HTK प्लस वेरिएंट्स लेते हैं तो उसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इन तीनों गाड़ियों में जान डालने वाले इसके दिल के बारे में, यानी कि इंजन ऑप्शंस के बारे में। शुरुआत करेंगे विटारा ब्रेजा से। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 105 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर, और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पर। वहीं क्रेटा और सेल्टोस दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम इंजन मिलते हैं, फिर चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल। इनमें आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 115 PS की पावर जनरेट करता है 6300 RPM पर, और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM पर। और डीजल में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 115 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर, और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि देखने में बड़ा होने के बावजूद भी ब्रेजा का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट में क्रेटा और सेल्टोस से पीछे है। आपको क्या लगता है? अरे अभी तक आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, चलिए फटाफट अभी लिख दीजिए। चलिए अब बात करते हैं तीनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर्स से। तो तीनों गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, आपको रियर स्पॉइलर मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। तीनों गाड़ियों में आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, डे नाइट IRVM भी आपको देखने को मिल जाता है। तीनों ही गाड़ियां आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग का फीचर ऑफर करती हैं। तीनों गाड़ियों में आपको चारों के चारों पावर विंडोज मिलते हैं। आपको तीनों गाड़ियों में एयर कंडीशन का फीचर मिलता है अलॉन्ग विथ रियर AC वेंट्स। ब्रेजा में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, बाकी दो गाड़ियों में आपको मैनुअल मिल जाता है। बेसिक सेफ्टी फीचर में आपको तीनों गाड़ियां ड्यूअल एयरबैग ABS एंड EBD ऑफर करती हैं। रियर पार्किंग सेंसर्स और 4 स्पीकर विद 2 ट्विटर्स आपको सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको विटारा ब्रेजा में मिलते हैं लेकिन वो आपको क्रेटा और सेल्टोस में नहीं मिलेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर की, जो कि है ड्यूअल टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन आपको मिलता है ब्रेजा में। उसके बाद में आपको ड्यूअल फंक्शन LED DRLs मिल जाती हैं, रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं, LED टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको ब्रेजा में मिलते हैं, फ्रंट फॉग लैंप्स आपको ब्रेजा में मिलते हैं, 7 इंचेस टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिल जाएगा ब्रेजा में, वॉइस कमांड्स आपको ब्रेजा में देखने को मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर आपको ब्रेजा में देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, वहीं क्रेटा और सेल्टोस में आपको मैनुअल AC मिलेगा, क्रूज कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील का फीचर आपको मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, साथ में ही आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाएगा, रियर वाइपर एंड वॉशर का फीचर भी आपको विटारा ब्रेजा में मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये 17 फीचर आपको ब्रेजा में मिलते हैं, जो कि टॉप मॉडल है। ये सारे फीचर्स आपको क्रेटा और सेल्टोस के 20 वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको क्रेटा में मिलते हैं लेकिन ब्रेजा में नहीं मिलते। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, जो कि है LED पोजीशन लैंप्स। उसके बाद में आता है 2-टोन ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको क्रेटा में मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है, 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको यहां पर मिलेगा EX वेरिएंट्स ऑनवर्ड, अलोंग विद ऑल बेसिक नेसेसरी फीचर्स जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस रिकॉग्निशन, 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स के साथ में। उसके अलावा क्रेटा में आपको डीजल और पेट्रोल
दोनों इंजन के ऑप्शन भी मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेल्टॉस में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलते। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो कि है डीजल एंड पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस। दूसरा फीचर है दोस्तों शार्क फिन एंटीना और तीसरा फीचर है दोस्तों फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। ये तीन फीचर हैं जो आपको सेल्टॉस के बेस वेरिएंट HTE में मिल जाते हैं जो कि ब्रेजा के मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट से 9,000 रुपये सस्ता आता है। अब अगर आप ब्रेजा के मैनुअल टॉप एंड की जो प्राइस है 9,98,000 रुपये उसमें केवल अगर 31,000 रुपये जोड़ते हैं तो आपको 10,29,000 में सेल्टॉस का HTE के वेरिएंट मिलता है। जानते हैं कि उसमें आपको क्या एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, तो इसमें आपको 8 इंच का टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा अलॉन्ग विथ ऑल बेसिक नेसेसरी फीचर्स। प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आपको मिल जाएंगे, रियर व्यू कैमरा विद गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी, रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM विद LED टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, डे नाइट IRVM आपको मिलेगा, फ्रंट USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा और ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर का फीचर आपको सेल्टॉस में मिल जाता है। अब यदि आप ब्रेजा के ऑटोमेटिक टॉप एंड मॉडल की यानी कि 11,15,000 रुपये की प्राइस में केवल 34,000 रुपये ऐड कर देंगे तो 11,39,000 में आपको सेल्टॉस का HTE के प्लस वेरिएंट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि उसमें आपको क्या एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहला फीचर आपको मिलेगा वो है 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। उसके बाद में आपको मिलते हैं LED DRLs, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर, LED साउंड, मूड एम्बिएंट लाइट, क्रूज कंट्रोल का फीचर, रियर सनशेड कर्टन्स, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर भी आपको इसमें ऐड हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं वारंटी ऑफर के बारे में, तो आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि ब्रेजा में आपको सेगमेंट का सबसे घटिया वारंटी ऑफर मिलता है। इसमें आपको केवल 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। वहीं क्रेटा और सेल्टॉस यहाँ भी बाजी मार ले जाते हैं क्योंकि इनमें आपको मिलती है 3 साल तक की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी और 3 साल तक का रोड साइड असिस्टेंस। तो भाई लोग हुआ ना यहाँ भी फायदे का सौदा। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पर बात करते हैं तो मैंने आपको उन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताए थे। तो तीनों गाड़ियों में मैंने आपको कॉमन फीचर्स बताए और एक दूसरे में नहीं मिलने वाले फीचर्स भी बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको जानने के बाद आप आंख बंद करके ब्रेजा को ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस के लिए कुर्बान कर दोगे, क्योंकि ब्रेजा का टॉप मॉडल लेने के बावजूद भी हील होल्ड कंट्रोल के अलावा मुझे कोई भी ऐसा फीचर ब्रेजा में नज़र नहीं आया जिसके लिए मैं क्रेटा या सेल्टॉस को ना खरीदूं। ब्रेजा में केवल पेट्रोल इंजन मिलता है जबकि बाकी दोनों गाड़ियों में आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। मुझे लगता है कि डीजल इंजन बंद करने का बहुत भयानक और बड़ा खामियाजा अगले 5 से 10 सालों में मारुति को भुगतना पड़ सकता है अगर इलेक्ट्रिक कारें अगले 5 सालों में भारतीय मार्केट को टेक ओवर नहीं करती हैं, वो भी अफोर्डेबल कीमतों के साथ में। अब आपके दिल में कोई शक नहीं बचा होगा कि क्रेटा और सेल्टॉस ब्रेजा के मुकाबले बड़ी कार है। साथ में ये आपको बेहतर बिल्ड क्वालिटी, ज़्यादा केबिन स्पेस, ज़्यादा बूट स्पेस, बेटर कम्फर्ट, बेटर राइड एंड हैंडलिंग ऑफर करती है। नो डाउट क्रेटा और सेल्टॉस आपको ब्रेजा के मुकाबले बेहतर इंजन परफॉर्मेंस एंड बेहतर पावर आउटपुट ऑफर करती हैं अलॉन्ग विथ अप्रॉक्सीमेटली सेम ब्रेजा का माइलेज। और इनकी प्राइसिंग किस तरीके से क्लैश करती है यह भी मैंने आपको बता दिया है। ब्रेजा के साथ आपको मारुति का विश्वास, मारुति का सर्विस नेटवर्क और लो मेंटेनेंस मिलता है, लेकिन हम इस बात को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मारुति के बाद में ह्यूंडई केवल एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे भारतीय ग्राहकों की नाड़ी पता चली है और ह्यूंडई की सर्विस मारुति से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ह्यूंडई के इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा यहाँ पर किया को भी मिल रहा है। ब्रेजा में नया और बड़ा पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी यह परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट के मामले में पीछे है, सेफ्टी के मामले में भी ब्रेजा काफ़ी पीछे है। वहीं ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी और इंटीरियर प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही घटिया है। सेगमेंट यानी कि नेक्सॉन, इको स्पोर्ट्स, वेन्यू, XUV300 के मुकाबले ब्रेजा भी लगभग उतनी ही कीमत में आती है, लेकिन काफ़ी कम फीचर्स ऑफर करती है, जैसे कि इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, सनरूफ, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, कनेक्टेड कार फीचर्स, पेडल शिफ्टर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हीटेड ORVMs, एयर प्योरीफायर और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ तक कि बाकी गाड़ियों में आपको बेहतरीन सेफ्टी यानी कि 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वारंटी का ऑफर भी ब्रेजा में आपको सेगमेंट में सबसे घटिया मिलता है। मेरी राय अगर मानिएगा तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मैनुअल पेट्रोल में ब्रेजा की बजाय क्रेटा के पेट्रोल बेस वेरिएंट EX को लेना ज़्यादा पसंद करता। थोड़े और फीचर्स अगर चाहिए तो सेल्टॉस के पास में
और भी ऑप्शंस अवेलेबल है और प्राइस गैप भी ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर आपको डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो सेल्टॉस के पास में वो भी मौजूद है। और क्या चाहिए आपको, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सी कार लेनी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।